हाय गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम यूपीएससी के सिलेबस को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट वन नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वो पार्ट ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, उसमें मैंने आपको ये बताया है कि यूपीएससी में कैसा पेपर आते हैं, क्या कुछ है, कितने पेपर आते हैं, मेंस क्या है, प्रीलिम्स क्या है, ये सब कुछ उसमें बताया है। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी के सिलेबस को बहुत ही बारीकी से जानेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर फ्रेंड्स आपने अभी तक नोटबुक और पेन नहीं लिया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स नोटबुक में नोट करते चलिएगा कि सिलेबस में क्या है, कैसा है। आज हम बहुत ही बारीकी से यूपीएससी के सिलेबस को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात आती है प्रारंभिक परीक्षा पाठ्यक्रम की, यानी कि प्रीलिम्स की। इसमें दो पेपर होते हैं। प्रश्न पत्र एक में सामान्य अध्ययन होता है। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बताती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमें लिमिटेड ही पढ़ना है। फ्रेंड्स, हर चीज़ हमें नहीं पढ़नी है, हमें वही पढ़ना है जो यूपीएससी के पेपर में आता है। तो हमें आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है फ्रेंड्स, हमें लिमिटेड सिलेबस करना है। तो देखिए, हम प्रीलिम्स के पेपर वन सामान्य अध्ययन में क्या क्या पढ़ेंगे वो सुनिए फ्रेंड्स, और नोट ज़रूर कर लेना फ्रेंड्स, नोट करते चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीलिम्स पेपर वन में हमें आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत, सामाजिक समस्याएं, भारतीय कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं विकास, भारतीय राजनीति एवं अधिकार मुद्दे और साइंस, पर्यावरण एवं जैव विविधता। ये हमें प्रीलिम्स पेपर वन के लिए पढ़ना है फ्रेंड्स, और करंट अफेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स जो करंट अफेयर है वो हमें मेंस में भी बहुत हेल्प करेगा फ्रेंड्स। तो करंट अफेयर ज़रूर पढ़ना फ्रेंड्स, और कमेंट में ये ज़रूर बताना फ्रेंड्स आप किस साल यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और ये ज़रूर बताना फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप किस शहर या गाँव से देख रहे हैं, प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना। अब बात करते हैं प्रीलिम्स पेपर टू की, जिसे हम सी सेट कहते हैं। तो उसमें क्या पढ़ना है वो देखिए फ्रेंड्स। इसमें आपको पैसेज, रीजनिंग और मैथ पढ़ना है फ्रेंड्स। अगली वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगी कि मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, और पैसेज किस टाइप का आता है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे फ्रेंड्स। इसमें करेंगे तो ये वीडियो जो है वो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो इस वजह से हम अब यही कवर करेंगे कि इसमें क्या आता है। इसमें ओनली तीन ही सब्जेक्ट आते हैं फ्रेंड्स, पैसेज, रीजनिंग और मैथ। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ये क्वालिफाइड पेपर है फ्रेंड्स, इसमें आपको ओनली 33% मार्क्स लाने होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं होते फ्रेंड्स। जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो आपकी जो ये पेपर वन है प्रीलिम्स का, इसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट लगती है। तो आप ये सब कुछ नोट करते चलिएगा फ्रेंड्स। प्रीलिम्स पेपर वन में फ्रेंड्स मैंने आपको ये बता दिया कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें अगर आप और डीपली जाना चाहो तो इसमें
आप जो नदियां हैं वो भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि जो ये आधुनिक भारत है, मध्य भारत, मध्यकालीन भारत है, प्राचीन इतिहास है, ये जो हैं, इनके अलावा आप नदी या नेशनल पार्क ये भी कर सकते हैं। ये आपको मेंस में भी बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स। अब बात करते हैं मेंस के जो टॉपिक हैं उनकी, कि मेंस में कौन से पेपर में कौन से जो टॉपिक हैं वो आते हैं। तो बात करते हैं जो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र भारतीय भाषा प्लस अंग्रेजी आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप जो संविधान में जो आपको भाषाएं दी गई हैं आप उनको मतलब कि चूज कर सकते हैं। कोई भी भाषा हो सकती है जो हमारे संविधान में लागू होती हैं, उनमें से एक भाषा आप कोई भी चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी या फिर संस्कृत, जो ये मतलब कि पंजाबी, जो भी आप कर सकते हैं। भारतीय भाषा तो आप चूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो हिंदी लिटरेचर को ही चुनते हैं, पर जो प्लस में अंग्रेज़ी आपको दिखाई दे रही है वो तो आपको पेपर देना ही होगा फ्रेंड्स। आप चाहे हिंदी चूज़ करो या कोई और सब्जेक्ट चूज़ करो, लैंग्वेज चूज़ करो, पर आपको अंग्रेजी का पेपर यानी कि इंग्लिश का पेपर तो आपको हर हाल में देना होगा फ्रेंड्स। ये अनिवार्य पेपर है, पर ये दोनों जो आप एक लैंग्वेज चूज़ करोगे वो प्लस इंग्लिश, ये दोनों आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं फ्रेंड्स। इसमें भी आपको पासिंग मार्क्स लाने की ज़रूरत होती है, और मेरिट लिस्ट आपकी जो ये और पेपर हैं, जो पेपर सात हैं, ये पेपर आप इसमें आपको ज़्यादा नंबर लेने होते हैं फ्रेंड्स, जो ये है, क्योंकि इसी से आपके जो मेरिट लिस्ट लगती है। ये और पेपर हैं जो जीएस के हैं, इन्हीं से आपकी जो मेरिट है वो लगती है फ्रेंड्स। तो अब बात करते हैं निबंध की। निबंध आप दो लैंग्वेज में लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। वो डिपेंड करता है कि आपने मीडियम कौन सा चूज़ किया है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। अगर आपने ये फॉर्म फिल करते समय अगर आपने हिंदी लिटरेचर को चूज़ किया है तो आपका जो निबंध है वो हिंदी में ही आएगा, और निबंध जो है वो आपको पूरे पेपर में दो निबंध ही लिखने होते हैं फ्रेंड्स। ये आप सब कुछ नोट करते चलिएगा, जो निबंध राइटिंग है वो दो निबंध आएंगे फ्रेंड्स। यानी कि जो पेपर में तो छः या सात निबंध आएंगे, पर आपको करने दो ही हैं, तो आप कोई भी उनमें से दो चूज़ करके आप अपने अकॉर्डिंग निबंध लिख सकते हैं। अगली जो वीडियो होगी फ्रेंड्स, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि निबंध के जो टॉपिक हैं वो कौन कौन से होते हैं यूपीएससी में। आगे बात करते हैं पेपर टू की, जो जीएस पेपर वन है। इसमें आता है, नोट करिएगा, भारत एवं विश्व इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय समाज, शहरीकरण के मुद्दे, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे। ये सब जीएस पेपर वन में आता है फ्रेंड्स। जो प्रश्न पत्र टू जहां लिखा हुआ है उस पेपर में ये सब कुछ आता है। ये कुछ प्रीलियम्स से मिलता जुलता लग रहा होगा आपको, पर जो आप प्रीलियम्स की तैयारी करेंगे तो 50% तैयारी आपकी मेंस की भी हो जाएगी फ्रेंड्स। अब बात करते हैं जीएस पेपर टू की। इसमें राज्य व्यवस्था, संविधान, सामाजिक न्याय एवं विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन, ये सब कुछ आता है जीएस पेपर टू में। जहाँ थ्री लिखा हुआ है वहाँ पर, उस पेपर में ये सब कुछ आता है।
अब बात करते हैं जीएस पेपर 3 की। इसमें आता है अर्थव्यवस्था, कृषि, विज्ञान, तकनीकी, पर्यावरण, जैव विविधता, आपातकाल के जो आपदा में जो कुछ होता है वो सारे मुद्दे, और प्लस करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको लगभग 1 या 2 साल का तो आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड्स, करंट अफेयर। अब बात करते हैं जीएस पेपर 4 की। इसमें आती है नीति शासक, सिविल सर्विस बनने की जो अभियोग्यता है वो, निर्णय लेने की क्षमता क्षमता जो है वो, और भावनाएं, ये सब कुछ इस टॉपिक के विषय जो हैं वो सब कुछ जीएस पेपर 4 में आते हैं। अब बात आती है प्रश्न पत्र 6 की, जो कि वैकल्पिक विषय होता है, जो आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो आप चाहो वो सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। और वो चूज किए हुए जो सब्जेक्ट के पेपर हैं वो आपके 2 होंगे, जो कि 6 और 7, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। लास्ट के 2 पेपर होंगे वो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के होंगे। उसमें जो पेपर होंगे वो दोनों वो 250-250 नंबर के होंगे, टोटल आपके 500 नंबर हो जाएंगे आपके ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है आपका। उससे आप ऑप्शनल सब्जेक्ट से अच्छा स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। आपकी कमांड जिस सब्जेक्ट पर ज़्यादा है, जो आपको सबसे बेस्ट सब्जेक्ट लगता है, आप ऑप्शन में वो चूज़ ज़रूर करें फ्रेंड्स। उससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी। ये गलती बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स कि आप बिना कुछ सोचे समझे ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज मत कर लेना फ्रेंड्स। जो मैंने आपको अभी ये सब कुछ जो विषय बताए हैं, इनके अलावा और कुछ मत पढ़िएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा मटेरियल मत लीजिएगा, लिमिटेड जो है वही पढ़िएगा फ्रेंड्स। ज़्यादा ये मत सोचिएगा कि हमें ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। उस चक्कर में आप अपना लिमिटेड जो सिलेबस है वो कवर करना भूल जाते हैं फ्रेंड्स। जो आपके यूपीएससी में काम आएंगे वो ही विषय पढ़िएगा फ्रेंड्स, उसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा फ्रेंड्स। वरना आप अपना टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ और नहीं कर रहे। तो ज़्यादा किताबें ना पढ़ें, ओनली 3 से 4 बुक पढ़ें, जो कि मैं आपको अभी बता दूंगी कि आपको सबसे बेस्ट बुक कौन सी है, आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। और बुक हमेशा एक से ही पढ़ना फ्रेंड्स। अगर आप ज़्यादा बुक के चक्कर में पढ़ोगे फ्रेंड्स तो उससे आपकी टाइम वेस्ट होगा फ्रेंड्स। आप उसमें टाइम वेस्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि आपको कौन सी बुक यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से देखिए। सबसे बेस्ट बुक है फ्रेंड्स भारत की राजव्यवस्था, जो कि एम लक्ष्मीकांत की है। इसका 7वां जो संस्करण है वो आ गया है फ्रेंड्स, 7th एडिशन। ये है देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास, राम शरण शर्मा इसके राइटर हैं। ये सबसे बेस्ट बुक है। 3rd आता है आधुनिक भारत का इतिहास। ये बुक ले आइए फ्रेंड्स, ये भी आपको यूपीएससी क्रैक करने में बहुत मदद करेगी फ्रेंड्स। देखिए ये बुक बेस्ट है फ्रेंड्स, ये तीनों ही बुक बेस्ट हैं। इनके अलावा यूपीएससी में और कुछ नहीं आएगा फ्रेंड्स। इसी से अपनी तैयारी जो है वो करिए फ्रेंड्स। देखिए ये 3 बुक हैं फ्रेंड्स, जो कि मैं कहूँगी कि ये सबसे बेस्ट। अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।